हमारे जो ग्रंथ हैं, जैसे 7 पुराणों में शिव जी की महिमा गाई गई है, तो शिव पुराण में तो है ही, लिंग पुराण में है, कूर्म पुराण में है, स्कंद पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, तो लगभग 7 पुराणों में शिव जी की कथा है। और उन कथाओं में ये बताया गया है कि जब ये सृष्टि बनी थी तो उस समय एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, एक ज्योति प्रकट हुई जो धरती से आसमान तक फैली हुई थी, और उसके विषय में एक बड़ी लंबी कथा सुनाई जाती है जिसका सार ये है कि उस ज्योतिर्लिंग को एक शिवलिंग के आकार की एक ज्योति जमीन से लेकर आसमान तक ऊपर उठी हुई थी। उस ज्योतिर्लिंग को जानने के लिए ये क्या है, तो ब्रह्मा विष्णु दोनों ने, क्योंकि एक विवाद छिड़ा के श्रेष्ठ कौन, तभी ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी कह रहे थे श्रेष्ठ हम हैं, विष्णु जी कह रहे थे श्रेष्ठ हम हैं। तो उसी समय ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और आवाज आई कि इसका आदि अंत पता करके बताइए। तो विष्णु भगवान वराह रूप धारण करके नीचे गए, हंस ऊपर उड़कर गए, ब्रह्मा जी हंस के रूप में, और भेद नहीं पा सके। कथा में आगे ये भी कहा गया है कि फिर ब्रह्मा जी, क्योंकि वो झूठ बोल गए थे इसलिए उनकी पूजा फिर बंद कर दी गई, और विष्णु भगवान ने जो भी कहा वो सत्य कहा था। और उसके बाद शिव ने यह कहा कि आप मेरा ही रूप हैं और इस संसार में आपकी पूजा हमेशा होगी, जो मुझे पूजेगा वो भी आपको ही पूजेगा, जो आपको पूजेगा वो भी मुझे ही पूजेगा।